केंद्र सरकार का कहना है कि 80% रेस्पोंडेंट जो थे इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबने सपोर्ट किया, जिन्होंने नहीं किया है, जिन पार्टी ने नहीं किया है, अंदरूनी प्रेशर के चलते उनको भी कल करना ही पड़ेगा। अब अंदरूनी प्रेशर क्या पड़ने वाला नहीं मालूम मेरे को, अंदरूनी प्रेशर क्या होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों का जो भी आपने सवाल उठाए उनके बारे में भी कमेटी में चर्चा हुई होगी और उसके बारे में भी कुछ सलाह मशवरा हुई होगी, क्योंकि जब आप सवाल उठा रहे तो ये सवाल तो पहले से जहन में थे और आपने पहले ही आपत्ति जताई। देखिए गुजरात में एक मामूली सा वक्फ बोर्ड नहीं बना सकते लोग, 96 से प्रोसेस शुरू हुआ, कोर्ट को गए, कोर्ट उल्टा करते गए, गलत फैसले लेते गए। अब कोविंद साहब को तो बनाए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है, अब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? यही बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्टैंड है हम उस पर कायम रहेंगे। अब वो अगर कल सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा बताइए? अगर ये बीजेपी की सरकार गिर गई 2026 में, फर्ज करिए, अल्लाह करे हो जाए नहीं मालूम, अगर गिर गई क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे? टेन्योर क्या होगा उसका? आप बोलेंगे नहीं टेन्योर होगा 29 तक ही, या फिर टेन्योर होगा 5 साल का, क्या है बताइए ना आप। मैं ये तो बोल रहा हूं भाई, भारत की जनता एक फैसला देती है, आप कौन होते भाई फैसला बदलने वाले?